नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम कक्षा सातवीं में पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 में व्याकरण भाग वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम देखेंगे सबसे पहले वाक्य क्या होते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। हम देखते हैं कि वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है, लेकिन वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो सार्थक हो, जो सही शब्द हो। तो विचार और पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला व्यवस्थित समूह जो विचारों को अच्छे तरह से प्रकट करे, ठीक है, जिनमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो आगे वाक्य के बारे में जानने से पहले हम करेंगे वाक्य के गुण। वाक्य के गुण, तो वाक्य में क्या क्या गुण होना चाहिए। वाक्य में चार तरह के गुण है, जैसे हमने कक्षा छठी में 3 तरह के गुण पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं में 4 तरह के वाक्य के गुण। तो सबसे पहला है गुण पूर्णता। वाक्य में क्या गुण होना चाहिए, पूर्णता। वाक्य पूरा होना चाहिए। वाक्य यदि अधूरा हो तो वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वाक्य में पूर्णता का होना जरूरी है। दूसरा गुण आ गया अन्वय। अन्वय से आशय है वाक्य में प्रयुक्त पदों का उचित तालमेल। वाक्य जो है वो उचित तालमेल के साथ हो, वाक्य निर्माण में लिंग वचन कारक संबंधी कोई भी अशुद्धि ना हो। जैसे उदाहरण, रमन बहुत बोलती है, अब इसमें अशुद्धि आ गई लिंग संबंधी, ठीक है। तो वाक्य में लिंग संबंधी, लिंग वचन या कारक संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा गुण आ गया अन्वय। तीसरा गुण है सार्थकता। सार्थकता मतलब किसी भी वाक्य में सही अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो सही अर्थ बताते हैं वही सार्थक शब्द होते हैं, तो वाक्य में सार्थकता का होना बहुत जरूरी है। जैसे नदी का पानी कल कल बह रहा है, तो कल कल क्या है, वाक्य में कल कल शब्द जो है वो निश्चित अर्थ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो वाक्य में कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सार्थक, जो सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, तभी वाक्य जो है वो पूर्ण होगा, तभी वाक्य जो है वो सही अर्थ जो है वो बताएगा। आगे है नंबर 4। नंबर 4 क्या गुण होना चाहिए, पदक्रम। पदक्रम जो वाक्य में पद है, पद मतलब शब्द, जो वाक्य के शब्द हैं वो सही क्रम में प्रयोग होने चाहिए। जैसे भारत गया जीत मैच क्रिकेट, अब इसमें क्या है कि शब्द आगे पीछे है, मतलब पदक्रम सही नहीं है। तो वाक्य का नंबर 4 गुण होना चाहिए कि पदक्रम सही होने चाहिए। तो वाक्य के लिए 4 गुण है, वाक्य में 4 गुण होने चाहिए। वाक्य पूरा होना चाहिए, अन्वय शुद्धि नहीं होनी चाहिए, सार्थक शब्द सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और शब्द जो है वो सही क्रम में होने चाहिए। आगे वाक्य के गुणों के बाद हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, तो वाक्य के जैसे हमने गुण 4 पढ़े, तो वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के अंग है नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। जो उद्देश्य है वाक्य में, जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा हो, जैसे कर्ता जो वाक्य को, वाक्य के बारे में बता रहा हो, तो उसको हम कहेंगे उद्देश्य। विमल कहानी लिखता है, और विमल क्या है, इसमें कर्ता है, कर रहा है, कहानी लिख रहा है, तो कर्ता को हम कहते हैं उद्देश्य। तो वाक्य का पहला अंग आ गया उद्देश्य। दूसरा है विधेय, जिसमें वाक्य में उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा हो, उसको हम कहेंगे विधेय। विमल कहानी लिखता है, कहानी लिखता है, आ गया वाक्य में अंग विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं उद्देश्य और विधेय। आगे हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के 2 तरह से भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 पहला आ गया हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक जिनमें किसी बात या कार्य को सामान्य रूप से प्रकट किया गया हो, उसको हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण आ गया, इशिका पत्थर बनाती है, राम खाना खाता है, तो वो आ गया हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा आ गया हमारा निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात या कार्य के ना होने का बोध हो, जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। जैसे राम खाना नहीं खाता है,
अंकुर घूमने नहीं जाएगा, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, जिसमें कार्य के ना होने का पता चले, उसको हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर दूसरा भेद आ गया निषेधवाचक वाक्य। नंबर तीन है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम ने खाना खा लिया, क्या आज दुकान बंद है, तो ऐसे शब्द जिनमें जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर चार देखेंगे संदेह, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में देखेंगे वाक्य में जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने का संदेह हो, शंका हो, उसको हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। शायद राम ने खाना खा लिया, ठीक है, शायद रहना कल घूमने जाएगी, जिस चीज का हमें सही तरीके से ज्ञात ना हो, जिस कार्य का हमें पूर्ण पता ना हो, जिसमें शंका हो, संदेह हो, उसको कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। आगे हम देखेंगे नंबर पांच इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, कामना, आशा या अभिलाषा या शुभकामनाएं आदि प्रकट की जाती हैं, उसको कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। काश मैं मुख्यमंत्री बन पाती, काश राम खाना खा लेता, तो एक ही वाक्य को हम अगर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तो उसको कहेंगे अर्थ के आधार पर। तो इच्छावाचक वाक्य कौन सा आ गया, जिसमें इच्छा, कामना, अब शुभकामनाएं, आशाएं आदि भाव प्रकट हो, उसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अगला हम देखेंगे विस्मयवाचक वाक्य। नंबर छह पर आ गया विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा शोक, हर्ष, घृणा आदि भाव प्रकट हो, उसको हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। वाह, राम ने सारा खाना खा लिया। अब एक ही वाक्य को हमने छह तरह से बोला, वाह राम ने खाना खा लिया, वाह पाखी जीत गई, ठीक है, जिसमें हर्ष, खुशी, शोक, दुख, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट हो, उसको हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। अगला हम देखेंगे संकेत, संकेतवाचक वाक्य। संकेत में क्या है, जिसमें संकेत या शर्त के आधार पर कार्य किया जाए, ठीक है, यदि राम खाना खा लेता तो वो अच्छा रहता, बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, यदि प्रयास करते तो वो अवश्य सफल होते, उसको हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। या शर्त या संकेत के आधार पर कार्य करवाया जाए, उसको कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य। और अंत में नंबर आठ भेद है आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, अनुमति, आदेश आदि आज्ञा देने का पता चले, उसे हम कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मेरे लिए शरबत राव, राम खाना खा लो। तो ये आगे हमारे आठ तरह के अर्थ के आधार पर वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो ये आ गया हमारा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद नंबर एक अर्थ के आधार पर, उसके बाद है नंबर दो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन तरह के भेद हैं। नंबर एक सरल वाक्य, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसको कहते हैं सरल वाक्य। मीरा मेला घूमने जाएगी, अब मीरा क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही कार्य है, तो क्या आ गया ये हमारा सरल वाक्य। नंबर दो संयुक्त वाक्य, संयुक्त ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, वो आगे हमारे संयुक्त वाक्य। जिन उपवाक्यों को और, इसलिए, तथा, एवं, अथवा, लेकिन, परंतु आदि शब्दों से, आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और उनको समुच्चय बोधक शब्दों से, अव्यय शब्दों से जोड़ा जाए। नंबर तीन आ गया हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्यों को हम जोड़ने के लिए क्योंकि, अर्थात, इसलिए, मानो, जिससे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इसमें आगे देखो मिश्रित क्या है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरे उसके ऊपर आश्रित। उदाहरण के लिए उसने कहा कि, उसने कहा कि वह अपने दोस्तों के घर जाएगा, तो उसने कहा ये मुख्य उपवाक्य है और आगे उसके ऊपर आश्रित है, इसको हम कहेंगे मिश्रित वाक्य। तो हम देखेंगे रचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हैं जिनको समुच्चय बोधक काव्य से जोड़ा जाता है, और मिश्रित वाक्य में जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं। आगे हम देखेंगे वाक्य परिवर्तन। अब हम देखें संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में भी बदल सकते हैं, ठीक है, सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में भी बदल सकते हैं। जैसे राधा ने गाना गाया और उसे पुरस्कार मिला, और लगा है तो ये कौन सा आ गया, संयुक्त वाक्य। अब हम इसको सरल वाक्य में एक ही वाक्य बनाएंगे, राधा को गाना गाने के लिए पुरस्कार मिला। आगे देखेंगे सरल वाक्य अभ्यास करने वाले को जीत मिलती है, तो इसको हम मिश्रित में करेंगे, जो अभ्यास करता है उसे जीत अवश्य मिलती है। अब मिश्रित वाक्यों को अगर सरल में बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे ही छुट्टियां पड़ी प्रदीप खुशी से उछल पड़ा। अब इसमें हमने क्या करना है, एक ही सरल वाक्य में बनाना है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रखना है, तो हम लिखेंगे छुट्टियां पड़ने पर प्रदीप खुशी से उछल पड़ा। तो ये हो गए बच्चों वाक्य, आज हमने पढ़ा वाक्य, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। हमने पढ़े वाक्य के गुण, चार तरह के गुण हैं, पदक्रम सार्थकता अन्वय और पूर्णता। वाक्य के अंग पढ़े दो तरह के, हमने अंग पढ़े उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद दो तरह के भेद, उद्देश्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। धन्यवाद।